हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। और हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRR, राधेश्याम और आदि पुरुष के शूटिंग डिटेल्स के बारे में, शूटिंग अपडेट्स के बारे में। और अगर आपको कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं SS राजामौली की द मैग्नम ओपस RRR के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले हम वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे कि इसका शूटिंग जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला, यानी कल से इसका शूटिंग जो है शुरू हो चुका है। 2 सॉन्ग शूट होने हैं जिसमें से पहला जो कि इंडिया में शूट होने वाला है उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। हैदराबाद में 2 अलग अलग सेट्स में इसको शूट कर रहे हैं SS राजामौली सर। बहुत ही ग्रैंड है ये गाना, हम तो बता चुके हैं आपको, दिस विल बी वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट सॉन्ग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और इसमें जितना भी कास्ट एंड क्रू है सब कोई फीचर करेंगे इस सॉन्ग में। एक प्रमोशनल सॉन्ग होने वाला है जो कि एंड क्रेडिट्स में रोल होगा। और इसमें जितने भी कास्ट हैं RRR के और जितना भी क्रू मेंबर्स हैं सब कोई को दिखाया जाएगा। तो बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही जबरदस्त गाना होने वाला है। SS राजामौली का गाना है, ग्रैंड तो होना ही है, तो कितने एक्साइटेड हो इस गाने के बारे में। और बाकी अपडेट जो है वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और हो सकता है कि जो मेकिंग वीडियो आया था जिसने धमाका कर दिया सोशल मीडिया पे, उसका जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है वो आपको बहुत जल्दी सुनने को मिल सकता है एंड देखने को भी मिल सकता है। तो कितने एक्साइटेड हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब बात करते हैं राधेश्याम के बारे में। अब देखिए, राधेश्याम पे भी हम 5 दिन पहले वीडियो बनाए थे, उसमें जो जो कुछ बताए थे सब कुछ वही हो रहा है। और हम बताए थे उस वीडियो में कि लगभग थर्ड वीक, मानो जुलाई के थर्ड वीक से इसकी शूटिंग वापस से शुरू हो जाएगी। प्रभास इसको ज्वाइन करने वाले हैं और पूजा हेगड़े भी ज्वाइन करेंगे। और एक जो गाना बचा हुआ है पेंडिंग वो होगा, और जो भी थोड़े मोड़े पैचवर्क्स होंगे वो शूट होकर फिल्म जुलाई एंड तक कंप्लीटली रैप अप हो जाएगी। लेकिन हम ये भी बोले थे कि 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और अभी जो नया रिपोर्ट्स आ रहा है उसके हिसाब से 22nd या फिर 23rd, मोस्टली 23rd को इसकी शूटिंग जो है शुरू हो जाएगी। प्रभास ज्वाइन कर लेंगे और पूजा हेगड़े भी कल हैदराबाद वापस आ जाएंगे और परसों शूट पे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो पूरा 5 अगस्त तक इसका पूरा शूटिंग चलेगा जिसमें पैचवर्क्स और एक जो और गाना है वो पूरी तरह से रैपअप हो जाएगा। राधेश्याम का कहानी वहां पर खत्म हो जाएगा बनने का, ठीक है, बनने का कहानी वहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपडेट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब 30 जुलाई का जो हम डेट बताए थे उस पिछले वीडियो में वो थोड़ा सा ब्लर होता दिख रहा है हमको इस समय, क्योंकि 16 जुलाई को KGF की तरफ से भी कुछ नहीं आया। और जब KGF की तरफ मेकर्स ने कुछ नहीं निकाला तो UV क्रिएशंस तो आप जान ही रहे हो। तो थोड़ा सा उम्मीद कम रखना जब फिल्म पूरी तरह से रैप अप हो जाएगी। हम आपको बताए थे कि 4-5 दिन ऊपर नीचे चलता है, 2-4 दिन, और कुछ भी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन प्रभास ज्वाइन कर लेंगे उस दिन हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कि आज से प्रभास ने ज्वाइन कर लिया है। वहां से फिर आप 8-10 दिन अपना पकड़ लेना कि इतना लंबा शूटिंग चलने वाला है। और जिस दिन इसका शूटिंग खत्म होगा उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ ना कुछ अपडेट, एक पोस्टर विद रिलीज डेट और फिर लिरिकल सॉन्ग्स या फिर जो फर्स्ट सॉन्ग होगा प्रमोशन या फिर टीजर, जिस तरह से भी वो लोग प्रमोशन करना चाहते हैं उस तरह से फिर जो कि प्रमोशन मटेरियल्स हैं वो रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए यही डिटेल्स है। और जब हम परसों लाइव आए थे तो हम प्रभास का इंजरी का जिक्र किए, तो उसके बाद से बहुत सारे मैसेज आए और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इंजरी क्या था। अब देखिए, हम नहीं बता रहे, बहुत सारे जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं उन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है कि कुछ महीने पहले जब प्रभास आदि पुरुष का शूट कर रहे थे तब उनको लेग इंजरी हुई थी। और उसके बाद से आपको पता है कि प्रभास ने शूटिंग ज्वाइन नहीं की है किसी भी फिल्म की, और उसके बाद वो अब ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो वो जो डिले आ रहा था कि प्रभास 5th जुलाई से करने वाले हैं, फिर वो इटली चले गए, फिर क्यों शूटिंग नहीं हो पा रहा था, तो वो रीज़न हमको यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए, जनरली सब बात पता चलता नहीं उतना क्योंकि बाहुबली के टाइम भी उनको हुआ था, बट अभी जो कोरोना का है तो उसमें लोग क्वारंटाइन में हैं। अब उनको इंजरी हुई है नहीं हुई है, प्रभास जिस तरह के सिक्रेटिव आदमी है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो खबरें बहुत मतलब कम निकल के आती हैं उस तरह से अगर कुछ इंजरी वगैरह होती है। तो इसीलिए ये लेट, बहुत लेट आया इनफैक्ट ये न्यूज़। और जितना हमको पता चल पाया है वो हमको लगता है कि इटली भी वही है। मेरा प्रेडिक्शन था कि इटली वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे शायद, बट हम बस एज्यूम कर रहे हैं ये चीज। और अब पर पूरी तरह से फाइन है, अब किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, बिल्कुल फाइन है। और अब 1-2 दिन में वो शूट ज्वाइन करेंगे राधेश्याम का। और राधेश्याम को लेके फिलहाल तो इतने ही अपडेट्स हैं। अगस्त के महीने में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट हम लोग को मिलने वाला है। और जुलाई के महीने में बहुत लोग बोल रहे हैं कि 21st या 22nd को किसी ने मतलब फैला दिया है कि कुछ अपडेट आने वाला राधेश्याम का, एंड आई डोंट सी एनी अपडेट कमिंग इन जुलाई। अब 30th को भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अब, और अब देखते हैं अब अगस्त में ही जैसे शूटिंग खत्म होगा उसके बाद ही कुछ ना कुछ अपडेट आने शुरू होंगे। और इसी दौरान आदि पुरुष की टीम ने 50 डेज ऑफ शूट खत्म कर लिए हैं, उसमें अपना स्टोरीज वगैरह शेयर किए हैं वो लोग। 50 डेज ऑफ जो शूट है आदि पुरुष का जो अभी मुंबई में चल रहा है, लंका के पोर्शन शूट हो रहे हैं, तो उसका 50 डेज टोटल स्टार्टिंग से अब तक कंप्लीट हो चुका है। और उन्होंने पिक्चर्स भी शेयर किए कि कहाँ से शुरुआत किया था और अब कहाँ पे मतलब पहुंचे हैं। और फुल सेलिब्रिटी मोड में दिख रहे हैं वो लोग, लेकिन अपडेट मोड में नहीं दिख रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि यार प्रभास की कोई भी फिल्म होती है तो उससे अपडेट्स एकदम होल्ड करके रख लेती है टीम। पता नहीं ये कुछ जानबूझ के किया जाता है या क्या, पता नहीं, क्योंकि आदि पुरुष से भी देखो बहुत कम अपडेट आए अभी तक। हनुमान जी कौन होने वाले हैं
कुछ आता पता नहीं है। और सिद्धार्थ के जो फैंस है, सिद्धार्थ शुक्ला के, वो मरे जा रहे हैं कुछ अपडेट के लिए, उनको कुछ अपडेट निकाल के नहीं आ रहा है। और जबकि इतने दिन से शूटिंग भी चल रही है मुंबई में, फिर भी कोई भी कास्ट एंड क्रू का अनाउंसमेंट, किसी तरह का कुछ अपडेट देने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे वो लोग अभी। अब बाकी देखते हैं कब शूट पे प्रभास ज्वाइन करते हैं, वो जैसे ही हमको पता चलेगा हम आपको बताएंगे। अब बच गया सलार, तो सलार का शूटिंग अगस्त में ही शुरू होगा। अब सलार की टीम कुछ ना कुछ अपडेट देती है या नहीं वो पता नहीं, अंदर से तो बात यही निकल के आ रहा है कि जैसे ही प्रभास ज्वाइन करेंगे शूटिंग वापस से शुरू होगा। तो जो कास्ट है बाकी का, विलेन कौन होता है और भी जो जो कास्ट है उसका जो डिटेल्स है वो बाहर आना शुरू होगा। अब देखते हैं, लेट्स होप कि जल्दी से आए अपडेट्स। और यही था आज के वीडियो के बारे में, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कोई भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ और बात करनी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज कर सकते हो। बाकी लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।